मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत अच्छी लगी। हाँ मतलब आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो अभी कि आई एम स्टिल एक्साइटेड। सबसे अच्छा पार्ट क्या था? मुझे बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा लगा और ऑब्वियसली मुझे कंगना और राजकुमार राव बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। मतलब स्टोरी इज़ वेरी गुड, आई मीन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी नहीं है उसमें, कहीं ना कहीं उसमें एक मैसेज भी है। सो प्लीज़ डू वॉच इट। क्या मैसेज मिलता है इस मूवी से? वो तो अब मैं चाहूँगी आप देखो तो ही आपको पता चलेगा, बिकॉज जिस तरह से आपका नाम है जजमेंटल है क्या, तो कहीं ना कहीं एक मेंटल डिजीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक स्टोरी में पार्ट है जिसके थ्रू उस जिसका एक पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, जिसका एक नज़रिया दिखाया गया है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोग वो देखें और जानें और समझें। सॉन्ग्स की बात करें तो मूवी कैसी है? सॉन्ग्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। आपको इस मूवी में कौन सा पार्ट अच्छा लगा जो काफ़ी लाइन टाइम आपके दिमाग में रहेगा? ऐसे पार्ट्स एक्चुअली फिल्म में बहुत सारी जगह पर थे पर मैं अभी ऐसे कुछ रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। पर हाँ फिल्म का लास्ट सीन जैसे मैंने बोला कि मुझे बस एकदम से ऐसे गूज बम्स आ गए, तो ऑब्वियसली मैं वो हमेशा याद रखूँगी। ओके, अब इस मूवी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुमको लगता है कि वो मैसेज भी दे रही है सबके लिए? यस, जैसे मैंने आपको बोला कि एक मेंटल डिजीज़ दिखाई है एक कैरेक्टर के थ्रू, उन्होंने उसका पर्सपेक्टिव दिखाया है और बस ये दिखाने की कोशिश करी है कि चाहे दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी बीमारी से क्यों ना हो, वो भी एक इंसान होता है, उसे कुछ अलग नहीं समझना चाहिए और हमारा ही एक हिस्सा है। वो चीज़ एक मैसेज के थ्रू उन्होंने देने की कोशिश करी है, तो दैट वाज अ वेरी गुड पार्ट। कॉस्ट्यूम, बैकग्राउंड म्यूजिक, लाइटिंग, जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की गई है, सब कुछ बहुत अच्छा था। जिन्होंने अभी तक मूवी नहीं देखी उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगी प्लीज़ जा कर के देखो, बिकॉज़ ये आपका टाइम यूटिलाइज होगा, पैसा वसूल होगा और मैं अपनी तरफ से गारंटी दे रही हूँ कि ऑब्वियसली मैं कोई हो नहीं गारंटी देने वाली, बट स्टिल मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। सो जस्ट गो एंड वॉच इट। मूवी बहुत अच्छी है, मस्त लगी मूवी, काफ़ी अच्छी बनाई है मूवी। ओके, और मूवी के सॉन्ग्स कितने अच्छे लगे आपको? सॉन्ग ज़्यादा नहीं है बट जितने भी है अच्छे है। एक रीमेक है वक्रा स्वैग, वो वक्रा स्वैग जो है वो अच्छा। हाँ ओके, और कंगना की बात करें तो कंगना का जो पागलपन है वो बहुत ही अमेजिंग है इस फिल्म में। उन्होंने जिस तरह से एक्टिंग करी है काबिले तारीफ। और दोनों एक साथ कैसे दिख रहे हैं? दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, मतलब पहली बार कुछ अलग देखने को मिला है तो मज़ा आया। तो ये मूवी इंस्पायरिंग है? इंस्पायरिंग है, एंगेजिंग है, एक डार्क कॉमेडी है और मर्डर मिस्ट्री है, तो मज़ा आता है देखने के लिए। बोर नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि आप ज़रूर देखिए, ऐसे फिल्में बहुत कम आती है बॉलीवुड में, तो आप लोग को देखनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगी, आई थिंक बहुत टाइम के बाद एक ऐसा डिफरेंट सब्जेक्ट उन्होंने पोर्ट्रे किया है डायरेक्टर प्रकाश ने, कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। लोग आज तनाव से ग्रस्त हैं, दे हैव सो मच स्ट्रेस इन देयर लाइव्स, दे आर डिप्रेस्ड, न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हैं, सो दे आर डिसग्रंटल्ड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स विच दे आर नॉट एबल टू वॉइस आउट। तो ये जो मानसिक उत्पीड़न है जो प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है वो उसको उजागर करता है। तो मेंटल बैलेंस कितना ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, वो इस मूवी में पोर्ट्रे किया गया और बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। सो आई थिंक कुडोज टू द डायरेक्टर प्रकाश फॉर पोर्ट्रेइंग सच एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड रिमार्केबल परफॉर्मेंसेज बाय कंगना रनौत एंड राजकुमार राव एंड ऑल द सपोर्टिंग कास्ट, जिमी शेगिल हों या सतीश कौशिक हों या हुसैन दलाल, ऑल ऑफ देम आर फैबुलस। और मेरा दस्तूर का भी एक रोल है, ऑल ऑफ देम वेरी गुड। एंड इस मूवी की परफॉर्मेंसेज के साथ साथ स्टोरी और स्क्रीन पे इतना बांध के रखती है कि इतना सस्पेंस है कि आपको लास्ट तक, इट्स अ डार्क एंड एजी सब्जेक्ट एंड टिल द एंड यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है। सो वो उस तरह से बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बांध के रखती है। मूवी का बेस्ट पार्ट यही लगा कि जो भी एक्टर्स हैं उनकी इतने वेल एज्ड रोल्स हैं कि आप देखते रह जाएंगे, यू नो, बिकॉज सम पीपल में फाइंड इट बिजार कि ये क्या है, बट ऐसे इशूज़ के बारे में अगर हम लोग यू नो डील नहीं करेंगे तो हम लोग ओवरकम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही कहती है कि बहुत लोग मानसिक रूप से यू नो डिप्रेस्ड हैं, दे आर नॉट एबल टू शेयर इट विद एनीवन। तो काउंसलर्स हैं आज, बहुत सारे हेल्पलाइंस हैं, बट ये मूवी में यही दर्शा गया है कि डोंट इग्नोर इट, यू नो देयर आर सच थिंग्स हैपनिंग एंड यू नो वी नीड टू एड्रेस द इश्यूज। ओके, कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा पार्ट जो आपके दिमाग से अभी तक जा ही नहीं रहा? बहुत सारे रील्स राजकुमार राव के सीन्स हो, कंगना रनौत के, कंगना रनौत आई थिंक शी इज़ सो रियलिस्टिक एंड सो रिलेटेबल, क्योंकि असली लाइफ में भी वो शी स्पीक्स अ माइंड, तो वो जो भी किरदार को लेती हैं उसमें पूरा अपना तन मन डाल देती हैं। देखिए आप फैशन देखिए, तनुवत्स मनु देखिए, या फिर रिसेंटली मनी कर्णिका, जो भी मूवी है हर मूवी में अपना हार्ट एंड सोल डाल देती हैं और
ये मूवी में भी शी गॉट इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, द रोल वॉज वियर्ड एंड हाउ शी यू नो पोर्ट्रेड इट, वो ब्यूटी है उनमें यू नो, कि वो कोई भी किरदार को इतने सुंदरता से निभा सकती हैं एंड शी इज़ फ्लॉलेस, मतलब जरा भी आप कहीं कोई फ्लॉ नहीं निकाल सकते कि और अच्छा हो सकता था. शी हैज़ स्टडीड द कैरेक्टर, शी हैज़ डन सो मच रिसर्च एंड द वे शी इज़ पोर्ट्रेड इट ऑन द सेलुलॉइड इज़ कमेंडेबल. ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये मूवी एक सोशल मैसेज के साथ डील करती है और जो मैसेज मेंटल हेल्थ के ऊपर है, और मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए. तो ये मूवी को देखिए, इसको समझिए. येस देर आर सम कॉम्प्लेक्सिटीज एंड टेक्निकलिटीज यू मे नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स अ डार्क सब्जेक्ट, तो गौर से देखिए, गौर से हर कैरेक्टर को समझिए और फिर अपना मत दीजिए, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी विल हेल्प. और ये इश्यूज़ हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं तो लोगों को इसके बारे में यू नो उजागर कराना बहुत ज़रूरी था. तो डायरेक्टर को और एक्टर्स को बधाई हो. ओके, थैंक यू सो मच. मूवी बहुत ज़ोर की लगी है, मुझे अच्छी लगी ऑनेस्टली. इस मूवी में क्या चीज़ें थी जो आपको बहुत बेहद पसंद आई? कंगना राजकुमार स्टोरी और ये साइको थ्रिलर को नए वे में प्रेजेंट करने का आई थिंक बहुत अच्छा था जो आइडिया था. सो मोस्टली मेरे को लगता है कि थोड़ी अंधाधुन टाइप की मूवी है, ट्रिकी मूवी है. सॉन्ग्स ऑलरेडी आई थिंक ट्रेंड पे है ना, वकरा स्वैग वगैरह. बहुत सही मूवी, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सही है मूवी का. कंगना की एक्टिंग के बारे में सवाल ही नहीं उठता, कंगना कोई कैरेक्टर करे और उसमें कोई फ्लॉ, मतलब वो कैरेक्टर को जिए ना. सो शी इज़ अमेजिंग एज एन एक्टर, ब्रिलियंट. आफ्टर क्वीन आई थिंक बोथ आर अमेजिंग एक्टर्स, एक साथ आए हैं तो डिलाइट टू वॉच देम, दोनों को साथ में देखना इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू मेरे लिए, बिकॉज आई लव गुड सिनेमा. क्लाइमेक्स लगा मुझे. पाँच देते हैं. Yes, go and watch. Maybe you will love it. If you love Andhadhund, you will definitely love it.